पूरी दुनिया की एग्जाम में पास हो, मैं नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ परिवार की एग्जाम में ओनली, देराणी जेठानी ननंद देवर भाभी जो कुछ भी है वहां बस माना साहब 100% पास इन अवर फैमिली मेंबर्स। मैं दिक्कत कह रही हूं, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द डिफिकल्टी। ना नहीं अमा सुना छे, घर में तू है तो जो मन में आता है वो कह देते, तो एक काम करना घर में दूसरे जो है वो मन में आवे बोल दे, वो मजे से सुनते रहना। नहीं नहीं तेरे मन में जो है बोलने की छूट है तो दूसरे के मन में वो भी बोलने की छूट, और मर्दान की से सुन लेना। क्या क्या आप बता दे राज्य में ऐसे तो तुम भी नहीं आते हो कभी कभी, मैं थोड़ा गर्म हो जाता हूँ। देखो वो दूर बैठे नजदीक बैठे, आपको यदि मेरे साथ बैठा गैंग में खुला पड़ा था आ जाना था यहाँ। ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज, मान बीजदा छोटी चीज को लेकर के बवाल नहीं करता, जाने दो। चलो आगे, नंबर 3, अलाउ द चेंज, परिवर्तन जो भी हो उनको स्वीकार करते चलो। बहुत दिमाग को कर्म मंत्र को 50 साल के पहले अभी जान दो, 50 साल गया तुम्हारा। हर बाप अपने बेटे के साथ बात करता है, हमारे जमाने में गया तुम्हारा जमाना, शांति रखो अभी। नहीं नहीं ये तूफान चला है, घर घर में जो है ना यही दिक्कत चलती है। मेरे जमाने में मैं मेरे साधु के साथ भी जमाने की बात छोड़ दिया अभी। क्या है क्या एक्सपीरियंस कहना है, हमारे जमाने में। और एक बात बता, जब से तुमने अभी हमारे साधु साधु की बात चलना चलती थी ना, वह एक बात बताई, बचपन युवानी और बुढ़ापा किसको कहते हैं बताऊं आपको, बताऊं कार्टून चैनल जिनको पसंद है वो बचपन, कार्टून चैनल जिनको पसंद है वो बचपन, स्पोर्ट्स चैनल जिनको पसंद है वो युवा, स्पोर्ट्स चैनल एनर्जी से भरा हुआ है ना, कार्टून चैनल जिनको पसंद है वो बचपन, स्पोर्ट्स चैनल जिनको पसंद है युवावस्था, और आस्था चैनल जिनको पसंद है वो साल। बोलो किस चैनल में बैठे हो, स्पोर्ट्स चैनल एनर्जी, क्या हुआ तीनों साल। बोलो मेरा प्रवचन किस अवस्था में सुनते हो, बुढ़ापा में। आप यहां एक नियम कर दो, अभी हमारे जमाने की बात कभी नहीं करेंगे, छोड़ो। एक लड़के ने लड़के के सामने बाप ये दंग मार रहा था, बेटा मालूम है हमारे जमे में 10 रुपये में चावल 10 किलो, गेहूं 10 किलो, और घास तेल और सब मिलता था 10 किलो में, 10 रुपये में 10-10 किलो। बेटे ने बोल दिया पापा वो टाइम CCTV कैमरे नहीं होंगे। अलाउ द चेंज, मैं 68 का हुआ, एक समय था एक दिन में 33 किलोमीटर भागता था गुरु भगवान के साथ, एक साल में 9 महीना में अमल करता था, आज संवत्सरी के दिन भी मैं नौकरशी करता हूं, कैपेबिलिटी मेरी खत्म हो गई और मुझे कोई दुख नहीं, मैंने ये चेंज स्वीकार कर दिया। ओके यही अवस्था है ना, तो मैं जो भी कर सकूंगा वो करते रहूंगा। यहाँ बैठे हुए बहनों को, सास को, बहू को, देरानी को, जेठानी को, यहाँ बैठे हुए ससुर को, सबको मैं बोलना चाहता हूँ, अलाउ द चेंज, बदल गया जमाना। एक समय था आपके पिताजी की शर्म थी, अपार्टमेंट की शर्म थी, आज घर में वो शर्म चली गई। सामने वाला बदलने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम मेरे मन को भी नहीं बदलेगे तो आपका मन डिस्टर्ब होते रहेगा। अलाउ द चेंज,
शायद बोलो मैं पूछना चाह रहा हूं, यू आर रेडी फॉर दिस? भगवान बोलते हैं, और एक बात बता, चेंज इज द परमानेंट, चेंज इज द परमानेंट, देयर इज नथिंग परमानेंट इन ओनली द चेंज। 24 घंटे परिवर्तन होते ही रहता, होते ही रहता, होते रहता। इनका इंग्लिश है, यू कैन नेवर स्टेड ट्वाइस इन ए सेम रिवर। एक ही नदी में आप दोबारा पैर नहीं रख सकते हो। 9:01 में जो नदी में रखी थी, 9:02 वो नदी गई। फिर मैं बताऊं, कल के श्रोता तुम अलग थे, कल का रत्न स्नोर अलग था, आज का रत्न स्नोर अलग है, आज के तुम भी अलग हो। अलाउ द चेंज। और एक पूछू नहीं पाए, आपके पिताजी की बिजनेस की शैली आपने बदली कि नहीं? बदली होगी, कोई विरोध नहीं। आपके पिताजी ने जिस ढंग से बिजनेस किया, आपको लगा इस माहौल में वो ढंग से बिजनेस नहीं चलता है, और आपने बिजनेस पॉलिसी बदल दी। मेरी बात करूं, आपने मेरे गुरुदेव भुवन भानु सुमा के प्रवचन सुने थे, आपकी जो प्रवचन शैली थी वो प्रवचन शैली मेरी नहीं है, क्योंकि एक समय इतना बदल चुका है, प्रवचन शैली मुझे भी बदलनी पड़ी है। तो एक बात ने कहा, यू कैन चेंज द पॉलिसी मैटर, नॉट प्रिंसिपल मैटर। बात समझ लेना, यू कैन चेंज पॉलिसी मैटर बट नॉट प्रिंसिपल मैटर। या चाहे मैंने प्रवचन शैली बदली है, मगर भगवान महावीर का जो प्रिंसिपल है उसमें कोई बदलाव मैं नहीं कर सकता हूं। यहां बैठने वाली सास को भी मैं कहना चाहता हूं, ये हमारे जमाने की बात छोड़ो, और बेटा और बेटी सामने से मुझे कि आपके जमाने में